हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नई वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर वाले चैप्टर को। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। आप सभी को पता है हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। बहुत बार हम लोग रेस्पिरेशन को मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि हमें सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रोसेस यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कंसिडर करते हैं। हालांकि ये जो इवेंट होता है इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, और ये रेस्पिरेशन का एक बोल सकते हैं कि एक इवेंट होता है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन एक्चुअली एक बड़ी पिक्चर है या एक बड़ी प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग एक छोटा सा स्टेप है। ब्रीदिंग में आप क्या करते हैं कि आप एयर से जो भी आपने ऑक्सीजन इनहेल किया है वो आपके लंग्स में स्टोर करते हैं। फिर ये जो लंग्स का ऑक्सीजन है ये ब्लड में एंटर करता है, और ब्लड से फाइनली ये ऑक्सीजन जो है ये सेल में एंटर करता है, और सेल में ये ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज जैसे प्रोडक्ट को यानी जो भी हम खाना खाते हैं जिसमें मेनली हमें ग्लूकोज मिलता है, इसके अलावा हम प्रोटीन और फैट भी खाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ब्रेक करके इससे एनर्जी रिलीज करने में हमें ये ऑक्सीजन हेल्प करता है। तो बेसिकली और इसी प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, इसी प्रोसेस में जहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन धीरे धीरे हो रहा है और एटीपी का यानी एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसी जगह पे धीरे धीरे CO2 भी रिलीज होता है। तो ये रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जहां पे हम ग्लूकोज जैसे ऑर्गेनिक मैटर्स का ब्रेकडाउन करते हैं स्टेप वाइज मैनर में और एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। इसी साथ हम यहाँ पे CO2 भी रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन बेसिकली अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब ब्रेकडाउन की प्रोसेस है। आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन की रिएक्शंस होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेटिव या कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज ये ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल कंपोनेंट्स में, और ये बायोलॉजिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, और ये एनर्जी आगे जाके एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो एनर्जी एक बड़ा कंसेप्ट है, खासकर रेस्पिरेशन एक बड़ा कंसेप्ट है, खासकर रेस्पिरेशन को हम सेल्युलर रेस्पिरेशन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं बेसिकली चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं, जो भी हम खाते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके उसमें से स्टेप वाइज मैनर में एनर्जी को रिलीज करते हैं। विच न्यूट्रिएंट आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, कुछ क्वेश्चन पूछे यहाँ पे कि कौन सा न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, तो वैसे तो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट सब यूज होते हैं, लेकिन प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा होता है तो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज। ठीक है, तो आप कार्बोहाइड्रेट लिखोगे और स्पेसिफिक आप लिखोगे तो ग्लूकोज लिखोगे, तो इसका आंसर आपका ग्लूकोज हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच मोस्ट प्रिफर्ड न्यूट्रिएंट, तो बेसिकली हमने देखा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात की है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम। ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट्स है जिससे एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स पूछा है, न्यूट्रिएंट्स, तो आप तीनों लिखोगे। ठीक है, कार्ब्स लिखोगे, फैट भी लिखोगे आप, ठीक है, और आप प्रोटीन्स भी लिखोगे, तो कार्ब फैट और प्रोटीन इन तीनों से ही आपको एनर्जी मिलती है, तो ये आपका पहला आंसर हुआ। ठीक है, बोला है मोस्ट प्रीफर्ड न्यूट्रिएंट कौन सा, इनमें से तीनों में से मोस्ट प्रीफर्ड कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे आप, कौन सा बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा बोलेंगे, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ये मोस्ट प्रीफर्ड है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज होते हैं, 38 एटीपी रिलीज होते हैं ग्लूकोज से। ठीक है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या करता है, एक फाइनल प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहां पे ऑक्सीजन यूज होता है FADH और NADH2 के ऑक्सीडेशन में। अब FADH2 और NADH2 क्या है, इसका ऑक्सीडेशन क्या है, ये हम लेसन में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। What is aerobic and anaerobic respiration? Aerobic respiration वो होगा जिसमें ऑक्सीजन यूज होगा, और anaerobic respiration वो होगा जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होगा। ठीक है, अब ऑलवेज रिमेंबर बोला है मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी, डेफिनेटली अगर आपको अपनी लाइफ को सस्टेन करना है, मेंटेन करना है, तो आपको रेगुलर कुछ खाते रहना होगा, है ना, रेगुलर मतलब दिन में 24 घंटे नहीं, बट रोज दिन में एक या दो मील आपको खाने पड़ेंगे, और आपको एक एनर्जी का सप्लाई कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन फुलफिल द कंटिन्यूस नीड ऑफ एनर्जी, और ये जो आप खाना खाते हो इससे न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में जाते हैं ब्लड में, और ब्लड से सेल में जाते हैं ग्लूकोज प्रोटीन फैट, और इसको ब्रेक डाउन करके आपकी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी क्या है, तो बेसिकली तीन तरीके से आपकी बॉडी एटीपी बनाती है। पहला लिखा है यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो आपकी बॉडी नहीं बेसिकली ये प्लांट की बॉडी करती है फोटोफॉस्फोराइलेशन की, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनते हैं, जो कि हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शन होता है, और वहां लाइट रिएक्शन की मदद से फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब फोटोफॉस्फोराइलेशन उसको बोलते हैं एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल का मतलब जहां पे
सबस्ट्रेट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और एटीपी बन रहा है, उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। मान लो आपका ये सबस्ट्रेट है ए और ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है, और जब ये ए टू बी कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये एटीपी दे रहा है। तो आप देखो सीधा सीधा रिएक्शन हो रही है, एक नॉर्मल सी रिएक्शन हो रही है ए टू बी और आपको एटीपी मिल रहा है, तो आप इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलोगे क्योंकि आपके सबस्ट्रेट से आपको एटीपी मिला है। एटीपी किससे मिला है? सबस्ट्रेट से मिला है, ठीक है, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलोगे। तीसरा आपका आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसमें NADH2 और FADH2 जैसे मॉलिक्यूल इनका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये अपना हाइड्रोजन लॉस करते हैं और इसके वजह से फाइनली एटीपी का जनरेशन होता है। ये कैसे होता है? एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम आगे पढ़ेंगे। तो FADH2 और NADH2 का ऑक्सीडेशन यानी इनका ब्रेकडाउन होके जब एटीपी का प्रोडक्शन होता है तो उसको आप बोलते हो ऑक्सीडेटिव। तो आपने क्या समझा? तीन तरीके का फॉस्फोराइलेशन होता है। पहला फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्लांट में होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है साइक्लिक नॉन साइक्लिक की मदद से। दूसरा सबस्ट्रेट लेवल, ये एनिमल और प्लांट दोनों में होता है, ऑक्सीडेटिव भी एनिमल प्लांट दोनों में होता है, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल में सबस्ट्रेट ए टू बी कन्वर्ट होता है, मतलब कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट एटीपी बनाता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव में FADH2 NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, एटीपी बनता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा यहाँ पे रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स बोले तो ऐसा पॉलीसेकेराइड जैसा नहीं, ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल या फैट जैसे मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके स्टेपवाइज मैनर में एनर्जी रिलीज होती है और ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दूं आपको तो एक एटीपी में, एक सिंगल एटीपी में यहाँ पे हमारी बॉडी 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी जनरेट करती है। एक एटीपी से आपको इतनी एनर्जी मिलती है, ये आपको याद करना है, ठीक है। एक एटीपी से इतनी एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन का रिएक्शन अगर मैं बताऊं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, चलो आगे देखेंगे वो रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ना ही है हमें। तो हम देखते हैं रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, ठीक है। अभी हम अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन यूज होता है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन यूज नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात हो रही है तो ये वो रेस्पिरेशन है जहां पे ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है, सेल्यूलर, यहाँ पे हम देखते हैं ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द ऑक्सीजन एट ऑल, बिल्कुल ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। इसी को आप फर्मेंटेशन भी बोल सकते हो, फर्मेंटेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि चीजों को सड़ाया जाता है और सड़ाने से उससे अल्कोहल वगैरह बनाया जाता है, तो फर्मेंटेशन। इट इज कंप्लीटेड थ्रू स्टेप लाइक ग्लाइकोलिसिस, इसमें ग्लाइकोलिसिस नाम का स्टेप होता है, ठीक है। अगर आप इसको लैक्टिक एसिड बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बना सकते हैं या इथेनॉल भी बना सकते हैं, यानी आप बेसिकली अल्कोहल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि एनारोबिक फर्मेंटेशन जो है उसमें पहली और मेन इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस है, तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में इसी स्लाइड में थोड़ी चीजें जान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये जो प्रोसेस है इसको हम बोल रहे हैं ग्लाइकोलिसिस, है ना, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि आप ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करते हो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, उसका ब्रेकडाउन आप कर रहे हो 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल में, और पाइरुवेट का ये मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन का है, ठीक है। पाइरुवेट का ये मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है। तो आपने क्या किया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाइरुवेट में किया और 3-3 कार्बन के आपने 2 पाइरुवेट बना दिए, ठीक है। इसी प्रोसेस में आपको क्या मिलते हैं, इसी प्रोसेस में आपको 2 एटीपी मिल जाते हैं और इस प्रोसेस में आपको 2 NADH2 मिल जाते हैं, NADH2। यहाँ पे कोई CO2 लॉस नहीं होता है, ये याद रखना, नो CO2 लॉस, ठीक है। यहाँ पे कोई नो CO2 लॉस, कोई CO2 नहीं निकल रहा है यहाँ पे बॉडी से, ठीक है। एनारोबिक प्रोसेस है, कोई ऑक्सीजन भी यूज नहीं हो रहा है और कोई CO2 भी नहीं निकल रहा है। दूसरी चीज आप बोलोगे ये प्रोसेस कहाँ होती है, तो टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो प्रोसेस आपकी देखने को मिलती है आपको, ये आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस एनएरोबिक है, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन का यूज नहीं है, तो आप बोलते हो एनएरोबिक है, ठीक है। एनएरोबिक प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म में होती है, याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। एनएरोबिक है मतलब कोई यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। और आप क्या बोल रहे हो, ये प्रोसेस को ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है, ईएमपी इसीलिए क्योंकि इसको दिया था 3 साइंटिस्ट ने, एमडन, मेयरहॉफ एंड पेरनास, ईएमपी पाथवे भी बोलते इसको, ठीक है। इसको 3 साइंटिस्ट ने दिया था, इनका नाम है एमडन, ठीक है, एमडन, मेयरहॉफ और पेरनास,
ठीक है, एमडन मेयरहॉफ पैरनस। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, देखो हमने ये समझा कि ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस में एक तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इंटू टू पाइरुविक एसिड, ठीक है, हेंस इट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। दिस इज कॉमन स्टेप एनारोबिक, ये एनारोबिक स्टेप है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही होती है, बट ये एनारोबिक है खासकर क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता, और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी यूज होती है। आप बोलोगे एरोबिक में कैसी यूज होगी सर, एरोबिक में भी पहली स्टेप ग्लाइकोलिसिस होती है, तो ग्लाइकोलिसिस कॉमन होती है फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। साइटोप्लाज्म में होती है, अभी अभी हमने पढ़ा, ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है, एक प्रिपरेटरी फेज होता है और एक पे ऑफ फेज होता है, दो स्टेप में कंप्लीट होती है, एक स्टेप होता है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा होता है पे ऑफ फेज, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है ब्रेक करने के लिए दो तीन कार्बन के मॉलिक्यूल में, और दूसरा पे ऑफ, पे ऑफ में आप देखते हैं एटीपी का, एटीपी हमको मिलते हैं, प्रिपरेटरी फेज में एटीपी यूज होता है। चलो आगे देखते हैं तो पता चलेगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में ये कॉमन इंफॉर्मेशन जो मैंने यहां पे लिखी है, इसका स्क्रीनशॉट शॉर्ट में ले सकते हो। अब आगे देखते, ठीक है, आगे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हमको दिखता है कि ग्लाइकोलिसिस का ये पाथवे कुछ इस तरीके से है। अब ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहला मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन। इसमें पहली स्टेप फॉस्फोराइलेशन होती है, मैं स्टेप का नाम लिखूंगा ऊपर, इस स्टेप को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ एटीपी। तो ये पहली फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो रही है, फॉस्फोराइलेशन वन, एडिशन ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे एटीपी ऐड होता है, एडीपी में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक आपका ये जो फॉस्फेट है ये ग्लूकोज में लग चुका है, लग चुका है, तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आपको लग रहा होगा 6 फॉस्फेट ऐड हो गए, नहीं, ठीक है, ग्लूकोज ऐसा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और 6 कार्बन। तो 6 कार्बन पे ये फॉस्फेट अटैच है, आपने आईयूपीएसी नेम में पढ़ा होगा, तो 6 कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है और आपका ये फॉस्फेट एटीपी से आया है, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जहाँ पे 6 कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, ठीक है, और यहाँ पे एटीपी ऐड हुआ। एटीपी को ऐड करने के लिए एंजाइम का नाम याद रखना, हेक्सोकाइनेज, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, एंजाइम हेक्सोकाइनेज यूज होता है, और जहां जहां काइनेज यूज होगा, काइनेज, काइनेज आपका फॉस्फेट ऐड होगा तब यूज होगा या फॉस्फेट रिमूव होगा तब यूज होगा, याद रखना आपका काइनेज ये नाम है, ये फॉस्फेट ऐड होगा तब यूज होगा या फॉस्फेट रिमूव होगा तब यूज होगा, ठीक है। तो काइनेज जब जब यूज होगा तब तब आपका एमजी प्लस प्लस आयन एज अ कोफैक्टर यूज होगा, ठीक है, एंजाइम का कोफैक्टर हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, तो ये एमजी प्लस प्लस यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी 6 कार्बन का, ये भी एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज करता है, बाकी जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, अभी भी स्ट्रक्चर वही है, बस अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर उसने चेंज कर लिया है, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया है। यहाँ पे ये रिएक्शन आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, आइसोमराइजेशन, ठीक है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, और यहाँ पे आप देखते हो कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। फाइनली आप क्या देखते हो, ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये आइसोमराइजेशन से आपका, मतलब आइसोमराइजेशन का रिजल्ट है, आइसोमराइजेशन में आपको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मिला, और इसमें जो एंजाइम यूज होती है, याद रखना एंजाइम का नाम कैसे आता है, ये देखो आइसोमराइजेशन हो रहा है तो आइसोमराइज, और ये कौन से सबस्ट्रेट से बना, तो सबस्ट्रेट का नाम लिखा होगा, देखो ग्लूकोज और फॉस्फेट से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है फॉस्फोहेक्सोस, हेक्सोस का मतलब होता है 6 कार्बन का, ठीक है, तो वहां पे ग्लूकोज भी 6 कार्बन का था, यहाँ पे ये फॉस्फेट भी 6, फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन का है, तो बेसिकली फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, मतलब फॉस्फोग्लूको या फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। तो हम क्या बोलते हैं, देखो पहले ग्लूकोज 6, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो ये 6 कार्बन का ग्लूकोज है इसलिए हेक्सोकाइनेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज काइनेज, ठीक है। दूसरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, तो ग्लूको ग्लूको आएगा, ग्लूको यानी हेक्सो आएगा, ठीक है, और फॉस्फेट भी लगाया तो फॉस्फोहेक्सो आएगा, फॉस्फोहेक्सो और आइसोमरेज, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, ठीक है। दूसरा आप बोलते हो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, मतलब तीसरा रिएक्शन अगेन फॉस्फोराइलेशन होता है, अगेन तीसरा रिएक्शन फॉस्फोराइलेशन होता है, लेकिन ये दूसरी बार हो रहा है, ये कितने बार हो रहा है, सेकेंड टाइम, ठीक है। तो आपका फिर से एटीपी लगा, एटीपी लगा तो काइनेज आएगा, याद करो, और सबस्ट्रेट का नाम आएगा फ्रुक्टोज और फॉस्फो, फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज, देखो लिखा है फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज, इसी को यहाँ पे पीएफके लिखा है, फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज बन, ठीक है। तो ये एंजाइम यहाँ पे यूज हुआ और फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज से ये आपका फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो छठे कार्बन पे था, अब ये फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट ऐड हो गया, तो फर्स्ट और 6, ठीक है, तो 1,6 डाइफॉस्फेट हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है। याद करो पहले ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना,
ग्लूकोज सिक्स में कन्वर्ट हुआ, ये आइसोमराइजेशन हुआ तो फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में आपका फिर से एक एटीपी ऐड हुआ तो फ्रुक्टोज वन सिक्स डाइफॉस्फेट बना। अब फ्रुक्टोज वन सिक्स डाइफॉस्फेट दो तीन तीन कार्बन के मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है, ये आपका प्रिपरेटरी फेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपका प्रिपरेटरी फेज क्या हो गया, कंप्लीट। अब इस फेज को आप क्लीवेज बोलते हैं, क्लीवेज का मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। क्लीवेज, क्लीवेज में क्या होता है, फ्रुक्टोज वन सिक्स डाइफॉस्फेट जो छह कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ये तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है। तीन तीन कार्बन के कितने मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल, एक एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट, इसको पीजीएल बोलते हैं या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट और दूसरा बनता है डीएचएपी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप लिखते हैं डीएचएपी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या इसको आप लिखते हैं पीजीएल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट, पीजीएल PGAL भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल बने, ठीक है। और इसको रिएक्शन को आप बोलते हो क्लीवेज। एंजाइम कौन सी एक्ट करती है, अल्डोलेज, याद रखना है अल्डोलेज, ठीक है। बाद में हम क्या देखते हैं कि ये जो PGAL है या ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट है, ये अगली रिएक्शन में जा सकता है और DHAP कुछ नहीं कर सकता, DHAP अगली कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। तो DHAP का एक ही काम बचता है कि वो क्या कर सकता है, वो इंटर कन्वर्टेबल होता है PGAL में, मतलब PGAL DHAP में कन्वर्ट हो सकता है, DHAP PGAL में कन्वर्ट हो सकता है। तो PGAL, ये PGAL अगर ये DHAP में कन्वर्ट होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली ठेंगा। तो DHAP कन्वर्ट होता है PGAL में, तो अभी हमारे पास कितने PGAL हो गए, दो। तो अभी दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये देखो दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट के हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, कैसे दो आए, एक तो PGAL अपना अपने आप बना था और दूसरा DHAP भी कन्वर्ट हो गया PGAL में, समझ में आया। तो आपके पास दो मॉलिक्यूल हो गए, तो दो ये मॉलिक्यूल हो गए और इस रिएक्शन को आप आगे आप कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। तो आपका ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल हो गए, है ना। अब ये दो मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट के, इसमें रिडक्शन स्टेप होता है, रिडक्शन यानी डिहाइड्रोजिनेशन, तो इसमें होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ये अपना हाइड्रोजन लॉस करता है, हाइड्रोजन लॉस करता है, तो हाइड्रोजन लेने को आता है सुपरमैन जैसा NAD+, NAD निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड डाइएडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नाम निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये इसका नाम है एनएडी का, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये जो है एनएडी आ जाता है, एनएडी उसका हाइड्रोजन ले लेता है और एनएडी हाइड्रोजन लेने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, ठीक है, NADH और H+ में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जब कन्वर्ट हो गया तो इसको भी ये भी रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन किसने करी होगी, एंजाइम ने। एंजाइम का नाम देखो, तीन कार्बन का मॉलिक्यूल है तो ट्रायोज, ठीक है, फॉस्फेट इसमें ऐड है तो फॉस्फेट, और डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, इसने अपना हाइड्रोजन किसको दिया, NAD को दिया, तो डिहाइड्रोजिनेस, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, क्या एंजाइम का नाम है, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। इधर भी आइसोमराइजेशन हुआ था, याद करो DHAP का कन्वर्शन ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट में, तो यहाँ पे भी ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, आइसोमराइजेशन हुआ तो आइसोमरेज, ठीक है। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस हुआ तो ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। और यहाँ पे एक, एक आपका ये कोफैक्टर काम आता है जिंक, कोफैक्टर कौन सा काम आता है, जिंक, ठीक है। अब आपके ये दो मॉलिक्यूल थे तो दो NAD आए, याद करो दो मॉलिक्यूल थे, दो NAD आए, दो NADH2 बने, ठीक है, और आपके दो बार एंजाइम लगे, दो बार ZN+ लगे, ठीक है। फाइनली आपने क्या किया, आपका ये जो ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट था, इसमें से आपने हाइड्रोजन देके इसको कन्वर्ट किया 1,3-bifosphoglycerate या ग्लिसरिक एसिड, तो PGA बोलते हैं, 1,3-PGA, PGA का मतलब होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दो बार उसमें फॉस्फेट है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 1,3-B-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलो या 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलो, तो डाई PGA बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम डाई PGA भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डाई PGA, PGA का मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और दो बार है 1,3-डाई PGA, ठीक है। अब ये 1,3-डाई PGA अगेन दो मॉलिक्यूल है, तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल में से आपका क्या निकलेगा, आपका यहाँ पे ATP, मतलब ATP बनेगा, ये अपना पहला फॉस्फेट छोड़ देगा। देखो तीन कार्बन का मॉलिक्यूल है, 1, 2, 3, पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट है और तीसरे कार्बन पे भी फॉस्फेट है, ये क्या करेगा, अपना पहले कार्बन का फॉस्फेट छोड़ देगा, छोड़ देगा तो इसको लेने के लिए कौन आएगा, ADP आएगा। ADP आ गए, देखो दो मॉलिक्यूल थे, दो मॉलिक्यूल ने दोनों ने अपना पहला पहला कार्बन छोड़ दिया, पहला पहला प्यार है वैसा नहीं, पहला पहला फॉस्फेट छोड़ दिया, ठीक है, पहला पहला फॉस्फेट छोड़ दिया और दोनों ADP ने आके वो पहला पहला फॉस्फेट ले लिया, ठीक है, और दोनों ADP से दो ATP बन गए,
ठीक है, तो ये हमको पे ऑफ फेज बोल रहा है। पे ऑफ मतलब जो ऊपर दो लगे थे वो अब वापस मिल रहे, तो पे ऑफ फेज। ठीक है, ऊपर दो बार लगे थे एटीपी, एक ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बना था तब, और एक फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रुक्टोज वन सिक्स डाइफॉस्फेट बना था तब। ठीक है, तो ये अब आगे हम क्या देखते हैं, ये 1,3 डाई पीजीए जो है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, इसमें से आपके दो बार फॉस्फेट निकले और दो एटीपी बन गए। अब यहां पे देखो फॉस्फेट निकले मतलब डी फॉस्फोराइलेशन हुआ, क्या हुआ उल्टा, पहले फॉस्फोराइलेशन हुआ था फॉस्फेट ऐड हुआ था, अब फॉस्फेट निकल रहा है तो डी फॉस्फोराइलेशन हुआ, डी फॉस्फोराइलेशन हुआ। और फॉस्फेट निकलता है या ऐड होता है तब आपको एंजाइम का नाम क्या है, काइनेज, और सबस्ट्रेट का नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट, है ना, तो क्या नाम आएगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज से आपका तीसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट, सॉरी 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी दो मॉलिक्यूल मिलेंगे क्योंकि दोनों में से पहला पहला कार्बन निकल गया है, देखो पहला पहला निकल गया, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें क्या होता है, इसमें अगेन आइसोमराइजेशन होता है, मतलब थोड़ा और केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है। ये तीसरे नंबर का फॉस्फेट घूम के कहां आ जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है, तीसरे नंबर का फॉस्फेट घूम के दूसरे नंबर पे आ जाता है, तो ये बन जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, क्या बन जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और ये भी दो मॉलिक्यूल है। इसमें एंजाइम आइसोमराइजेशन होता है, तो आइसोमराइज नहीं बोलते, इसको म्यूटेज बोलते हैं, और म्यूटेज कौन सी, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, तो एंजाइम का नाम है, प्रोसेस का नाम है आइसोमराइजेशन, प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। ठीक है, अब आगे, अब आपका फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होता है आपका 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट यानी पेपा में। इसमें आप इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, वाटर निकल रहा है, देखो एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकलता है तो दो मॉलिक्यूल से दो बार वाटर निकल रहा है, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पानी निकलता है, तो इसमें से वाटर निकल गया तो आपका ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड यानी पेपा बोलते हैं इसको, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, है ना, तो 2 पेपा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेपा में कन्वर्ट हो गया, ये अभी भी फॉस्फेट है उस पे। ठीक है, तो अब ये है, ये भी तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल है। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं कि फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड यानी पेपा में से अपना एटीपी यानी फॉस्फेट डोनेट कर देता है, फिर से फॉस्फेट देता है। अब एक मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट दे रहा है तो दोनों मॉलिक्यूल अपने दोनों फॉस्फेट दे रहे, तो दोनों फॉस्फेट लेने के लिए दो एडीपी आ जाते हैं, दो एडीपी दो एटीपी में कन्वर्ट होते हैं, और आपका ये पाइरुविक एसिड आपको मिलता है फाइनल, तीन तीन कार्बन के, तीन तीन कार्बन के आपको दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, तीन तीन कार्बन के आपको कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं, दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ये आपका फाइनल यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझो क्या हुआ, पहला हुआ प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज को प्रिपेयर किया गया फ्रुक्टोज के फॉर्म में कि भाई टूट जाए। ठीक है, तो ग्लूकोज में पहले क्या किया गया, फॉस्फेट ऐड किया गया, तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। ठीक है, काइनेज एंजाइम। फिर दूसरा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो है उसको आपने क्या किया, आइसोमराइजेशन करके फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दिया, फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट। फ्रुक्टोज में फिर से फॉस्फेट डाला आपने दूसरी बार एटीपी के फॉर्म में, तो फिर से काइनेज एंजाइम लगी। ठीक है, इसको फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बोलेंगे। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट पूरा तैयार है ब्रेक होने के लिए, तो ये ब्रेक होता है अपना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी पीजीएएल भी बोलते हैं, और डीएचएपी में, डीएचएपी कन्वर्ट होता है पीजीएल में। ठीक है, एंजाइम आइसोमरेज, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। आगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दो मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं, इसमें पहली बार रिडक्शन होता है, रिडक्शन यानी डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन लॉस होता है। हाइड्रोजन को लेने के लिए एनएडी आता है, याद करो एनएडी आके एनएडीएच एच प्लस में कन्वर्ट होता है यानी एनएडीएच टू बना लेता है। अब ये एनएडीएच टू बन गया, इस प्रोसेस में एंजाइम कौन सी काम आई, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे कोफैक्टर लगा कौन सा, जिंक, जहां पे भी काइनेज होगा वहां पे मैग्नीशियम, और जहां पे भी डिहाइड्रोजिनेज होगा यहाँ पे स्पेशली, तो उसमें जिंक लगेगा। ठीक है, और आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रिडक्शन के बाद 1,3 डाई पीजीए यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से ये पहले नंबर का फॉस्फेट निकल जाता है तो डीफॉस्फोरिलेशन दो बार हो रहा है, तो दो बार एटीपी बनते हैं यहाँ पे, पहला एटीपी जनरेशन हो रहा है। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना है एटीपी बनने के बाद, ये दोनों 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि एक फॉस्फेट कम हो रहा है, ये तीसरे कार्बन से दूसरे कार्बन पे फॉस्फेट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आगे आप क्या बोल रहे हो, आगे आप इसमें 2 फॉस्फोग्लिसरेट में डिहाइड्रेशन इनोलेज के एंजाइम से करते हो, कौन सा एंजाइम, इनोलेज। ठीक है, और फाइनली आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड मिलता है। फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड में से फिर से फॉस्फेट निकलता है, तो फॉस्फेट निकलेगा तो एंजाइम काइनेज होगा। ठीक है, और सब्सट्रेट का नाम यहाँ पे पाइरुवेट काइनेज होगा। ठीक है, तो पाइरुवेट काइनेज के मदद से आपका यहाँ पे फॉस्फेट निकल रहा है और फाइनली आपके पास दो पाइरुविक एसिड मिल रहा है और दो एटीपी एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, और आपने क्या देखा, यहाँ पे भी काइनेज है तो एमजी प्लस प्लस लगेगा ना, ये भाई अपना रीति रिवाज है, ये चलेगा। ठीक है, अब आगे डिस्कशन करते हैं। अब हमको क्या मिला यहाँ पे, याद करो हमने सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज में क्या किया, प्रिपरेटरी फेज में हमने दो एटीपी यूज किए, दो एटीपी क्या किए, यूज किए,
और पे ऑफ में क्या मिला हमको, पे ऑफ में हमको पहली बार 2 ATP मिले, फर्स्ट फर्स्ट टाइम हमको 2 ATP मिले डायरेक्ट, और लास्ट टाइम सीधा फॉस्फोइनॉल टू पाइरूवेट, यहाँ पे हमको क्या मिले फिर से। तो ये अगर मैं रिएक्शन बताऊँ तो रिएक्शन ही बताना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो रिएक्शन कौन सी थी हमारी पहली, यहाँ पे हमारी पहली रिएक्शन थी, यहाँ पे हमको मिला था ये 1,3 1,3 डाई पीजीए से हमको मिला था 3 PGA, ठीक है 3 PGA, तो उसमें हमको 2 ATP मिले, ठीक है। दूसरा हमको क्या मिला, पेपा से पाइरुवेट, पेपा इससे हमको पाइरुवेट मिला, पाइरुवेट। ये सब दो दो मॉलिक्यूल है, हाँ 2 1,3 डाई पीजीए, तो 2 3 PGA, फिर 2 पेपा से 2 पाइरुवेट, और यहां पे भी हमको 2 ATP मिले। तो हमको दो दो करके 2 बार ATP मिले। अब हम ग्लाइकोलिसिस का थोड़ा सा ये निकालते हैं ओवरऑल। तो हमने देखा ग्लाइकोलिसिस में हमको यहाँ पे 2 ATP यूज हुए, और यहाँ पे 2 और 2 4 ATP मिले, तो हमारे टोटल ATP कितने बने, ATP फॉर्म्ड फॉर्म्ड कितने हुए, ये हमको 4 मिले, ठीक है। और यूज कितने हुए, यूज यूज 2 हुए, तो 4 - 2 हमको नेट कितने मिले, नेट हमको 2 ATP मिले। समझ में आया, ठीक है ठीक है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही, एनारोबिक जहां पे बिल्कुल ऑक्सीजन यूज नहीं होने वाला। लेकिन एरोबिक में क्या होता है, अगर हम आगे एरोबिक पढ़ेंगे तो एरोबिक में FADH2 और NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, तो हमको यहाँ पे 2 NADH2 भी मिले, है ना। तो एक NADH2 से हमको कितने ATP मिलते हैं, हमको मिलते हैं 3 ATP। तो 2 NADH2 से हमको कितने ATP मिलेंगे, 2 × 3 हमको मिलेंगे 6 ATP। तो अगर एरोबिक रिएक्शन का कैलकुलेशन करें तो ये जो 4 ATP हमको मिले, याद करो हमने पहले बोला था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, A to B कन्वर्ट हो रहा है, A to B कन्वर्ट हो रहा है और डायरेक्ट ATP मिल रहा है, तो यही तो हुआ ना। यहाँ पे डायरेक्ट ATP मिला, A to B कन्वर्ट हो रहा है, ये A to B कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट ATP मिल रहा है, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट लेवल SLP, ये भी हमको सबस्ट्रेट लेवल SLP, तो हमारे ये जो 4 ATP मिले ये क्या है, 4 ATP हमारे SLP है, SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन OP। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमको किस में मिलता है, सिर्फ एरोबिक में मिलता है, तो 6 ATP ये मिलते हैं। अगर एरोबिक का हिसाब लिखा है लगाए ग्लाइकोलिसिस का दो हिसाब लगाते हैं, चलो नीचे ग्लाइकोलिसिस का दो हिसाब लगाते हैं। ग्लाइकोलिसिस अगर प्योरली एनारोबिक हो रहा है, प्योरली मतलब इसमें आगे भी ऑक्सीजन यूज नहीं होने वाला, प्योरली एनारोबिक है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमको कितने ATP मिलेंगे, 4। NADH2 FADH2 के ATP नहीं मिलेंगे, ठीक है, 4 में से 2 क्या होगा, यूज, तो हमको टोटल ATP मिलेंगे 2 नेट हमको मिलेंगे 2 ATP, ठीक है। फिर एरोबिक में क्या होगा, एरोबिक में हमने बोला SLP से हमको मिले 4, 4 ATP हमको एक किससे मिले, SLP से मिले, SLP, ठीक है। फिर इसमें -2 हो गए, ठीक है, लेकिन हमको 2 NADH2 भी मिले, ठीक है, हमको 2 NADH2 इधर लिखता हूं, 2 NADH2 मिले हमको, है ना। तो 2 NADH2 से हमको 6 ATP मिले, 2 NADH2 से हमको कितने ATP मिले, 6, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा में 6 ATP लिखेंगे। तो आप देखो, आप कैलकुलेशन लगाओ, 4 - 2 कितने हो गए, 2, 2 और 6 कितने हो गए, 8, तो नेट ATP हमको मिलते हैं 8। कहां से मिलते हैं हमको, ये मिलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन से हमको 8 मिलते हैं, याद करना, और एनारोबिक से हमको 2 मिलते हैं, याद, ठीक है, समझ में आया। ग्लाइकोलिसिस वैसे तो एनारोबिक प्रोसेस है, लेकिन एरोबिक में भी होता है, बोला मैंने ग्लाइकोलिसिस, तो एरोबिक में जब ग्लाइकोलिसिस होगा और ग्लाइकोलिसिस के बाद और आगे के प्रोसेस होंगे, तो जब आगे के प्रोसेस होंगे तो उसमें हमको NADH2 से ATP मिलेगा, तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो NADH2 कहां बना था, ये ग्लाइकोलिसिस में बना था, इसी NADH2 का आगे हमको ATP मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो गया। आप समझा होगा कि आपको कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पाइरुवेट में, और ग्लाइकोलिसिस में हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेशन होता है, खासकर एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो जिन एनिमल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उनमें प्योर एनर्जी का सोर्स ग्लाइकोलिसिस होता है। तो रोल ऑफ MG+ और ZN का क्या है, ये को फैक्टर है, ये रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। व्हाई सम रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर रिवर्सिबल एंड सम इरिवर्सिबल, देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है और कौन सी इरिवर्सिबल, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन, दूसरी नहीं है, फिर तीसरी है, ठीक है, फिर आपकी यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिख रही है, लेकिन ये नहीं लिखना है आपको, ये इरिवर्सिबल नहीं होती है, ठीक है, ये होती है। तो
तो आप बोलोगे फर्स्ट सेकंड एंड टेंथ रिएक्शन आर इरिवर्सिबल, तो एक नया पॉइंट आप ऐड करोगे, कौन सा? आप बोलोगे फर्स्ट सेकंड एंड टेंथ रिएक्शन जो है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन ये आपकी इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल मतलब ये रिएक्शन अगर हो गई तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट आगे कंटिन्यू होने वाला है, मतलब वो पीछे नहीं जा सकता, अब वो पीछे नहीं जा सकता, अब वो आगे ही जाएगा, ठीक है? तो ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक तरीके से कंफर्मेशन होता है कि आपका अगला प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यू बनेगा, ठीक है? तो आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, व्हाई इज ग्लाइकोलिसिस कंसिडर्ड एज अ बायोकेमिकल प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पे बोला है कि बायोकेमिकल प्रूफ क्यों है इवोल्यूशन का। देखो ग्लाइकोलिसिस एक एनारोबिक प्रोसेस है, और जब हमने ऑर्गेनिक ऑफ इवोल्यूशन ये चैप्टर पढ़ा है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, तो उसमें पढ़ा है कि पहले कंडीशन अर्थ पे एनारोबिक थी, है ना? तो पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए होंगे वो एनारोबिक कंडीशन में एनर्जी बनाते होंगे, इसलिए ग्लाइकोलिसिस पहले एनारोबिक कंडीशन में एनर्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ, फिर धीरे धीरे एरोबिक कंडीशन आई तो फिर एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डेवलप हुआ, तो उसमें भी हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन होते गया, और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब साइकिल और बाकी की चीजें आई आगे, ठीक है? तो हम बोलते हैं कि ये बायोकेमिकल प्रूफ है इवोल्यूशन का, कि पहले एनारोबिक कंडीशन थी अर्थ पे और ग्लाइकोलिसिस एकलौता एनर्जी का सोर्स था, एनारोबिक सोर्स, ठीक है? व्हाई डू एथलीट लाइक स्प्रिंटर हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ व्हाइट मसल, ये आगे बताऊंगा आंसर इसका आपके नीचे ये जो डब्बा है उसमें, ठीक है? इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस अंडर टाइट कंट्रोल बोला है, बहुत टाइट कंट्रोल में होता है, इसमें आप देखते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है तो ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू होता है। ग्लाइकोलिटिक रेट ऑफ कंट्रोल इज अचीव बाय द कंप्लीट इंटरप्ले बिटवीन एटीपी कंजम्पशन, तो जितना आपका एटीपी कंजम्पशन होगा उतना आपका ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू होगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हाँ, ये सारी एंजाइम आपकी एक जरूरी होती है ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है? हेक्सोकाइनेस, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, पाइरुवेट काइनेस, ऑल दीज एंजाइम आर नेसेसरी। और बोला है ग्लाइकोलिसिस किसके कंट्रोल में होता है, तो ग्लाइकोलिसिस इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन लाइक ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन एंड इंसुलिन, ठीक है? ग्लूकागॉन क्या कराता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज करता है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज कब होगा, जब ग्लाइकोलिसिस कम होगा, है ना? ग्लाइकोलिसिस लॉजिक करो ना आप, कि ब्लड में आपका बॉडी ग्लाइकोलिसिस कर ही नहीं रहा है, ग्लूकोज ब्रेक ही नहीं कर रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, है ना? तो ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कराता है, ग्लाइकोलिसिस नहीं होने देता। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करता है, मतलब और ज्यादा ग्लाइकोलिसिस करता है, ब्लड का ग्लूकोज तोड़ेगा, ब्लड का ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज गायब हो गया, ग्लूकोज गायब हो गया मतलब ग्लाइकोलिसिस हो गया, है ना? तो इंसुलिन क्या कराता है, मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा हूं, इंसुलिन पॉजिटिव कराता है मतलब ग्लाइकोलिसिस कराता है, ठीक है? ग्लूकागॉन नेगेटिव कराता है मतलब ग्लाइकोलिसिस नहीं कराता है, ठीक है? एपिनेफ्रिन आपका एक तरीके से ग्लाइकोलिसिस कराता है, एपिनेफ्रिन भी ग्लाइकोलिसिस कराता है, क्योंकि जब आपके बॉडी में एपिनेफ्रिन बनता है तो आप इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ठीक है? चलो आगे का डिस्कशन करते हैं। तो डू यू नो बोला है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस कुछ सेल होते हैं जिनमें आप देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जैसे कि इरिथ्रोसाइट, रेनल मेड्यूला, ब्रेन एंड स्पर्म। स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया नीचे होता है मिडल पीस में, वो सिर्फ एनर्जी देता है ट्रैवलिंग में, लेकिन जो अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो आप बोलोगे इरिथ्रोसाइट, रेनल मेडुला, ब्रेन एंड स्पर्म के जो सेल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही एकलौता ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, याद रखना, ये नीट में पूछेगा और एमएसटीसीटी में भी पूछेगा कि इरिथ्रोसाइट, रेनल मेडुला, ब्रेन और स्पर्म, इनमें एकलौता एनर्जी सोर्स जो है वो ग्लाइकोलिसिस होता है, क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आगे, सम प्लांट टिश्यू विच आर मॉडिफाइड इनटू स्टोर स्टार्च लाइक पोटैटो, उनमें भी सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही एनर्जी सोर्स होता है, जैसे उनमें हम देखते हैं कि पूरा ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो आप देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही जो है एनर्जी का सोर्स होता है उसमें। इसके अलावा इन चैप्टर 3 हम देखते हैं बायोमोलिक्यूल हमने पढ़ा, उसमें हमने ऑक्सीजन स्टोरिंग सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के बारे में, है ना? मायोग्लोबिन मसल में स्टोर होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है? मायोग्लोबिन मसल में कैरी करता है, तो जिस मसल में मायोग्लोबिन होता है वो डार्क मसल होते हैं या रेड कलर के दिखते हैं, उनको रेड फाइबर बोलते हैं, ठीक है? जो जो मसल में आपके मायोग्लोबिन होगा वो रेड कलर का दिखेगा, और जिस जिस मसल में मायोग्लोबिन नहीं होगा वो व्हाइट कलर का दिखेगा, वो पेल कलर का दिखेगा, ठीक है? अब आपके एक मसल में मायोग्लोबिन है और वो आपको रेड दिख रहा है तो उसको आप रेड मसल फाइबर बोलोगे। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है, तो ये मसल से मैं जब वर्कआउट करूंगा, अगर मेरा ये मसल रेड है और रेड मसल से मैं वर्कआउट कर रहा हूं तो इसमें ऑक्सीजन पहले से स्टोर है, ठीक है? तो मेरा वर्कआउट लंबे समय तक चलेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन स्टोर है, मैं थकूंगा नहीं जल्दी, ठीक है? लेकिन अगर मेरा मसल व्हाइट है, मतलब इसमें मायोग्लोबिन नहीं है, मायोग्लोबिन ने ऑक्सीजन भी स्टोर नहीं किया है, ठीक है? तो ऐसे में क्या है, मेरा मसल जल्दी थक जाएगा, मैं जल्दी थक जाऊंगा, फेटिक हो जाऊंगा, ठीक है? तो एथलीट क्या करते हैं, बार बार भाग के दौड़ के अपने आप को ट्रेन करके अपने मसल में रेड मसल डेवलप करते हैं, मतलब आपके मसल में आप व्हाइट मसल को रेड मसल में कन्वर्ट करते हो, ठीक
ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा भागते हो, बहुत ज्यादा दौड़ते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो अपने आप पे, तो आप धीरे धीरे आपके जितने व्हाइट मसल है उसको आप रेड मसल में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आप अपने मसल में मायोग्लोबिन स्टोर कर रहे हो, आपका स्टेमिना बढ़ा रहे हो, उसी को आप बोलते हो ना स्टेमिना। स्टेमिना क्या होता है? मायोग्लोबिन स्टोर्ड इन मसल, ठीक है। तो जिससे आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मसल में हाई होता है और आपका मसल जल्दी फटीग नहीं होता, मतलब आपका मसल जल्दी थकता नहीं और आपका लंबा स्टेमिना चलता है, लंबे समय तक आप रेस में टिके रहते हो, ठीक है। तो ये आपने डिस्कशन किया यहां तक, तो व्हाइट मसल और रेड मसल वाला कंसेप्ट भी आपको समझ गया। आगे का डिस्कशन करते हैं। आगे का डिस्कशन हमारे पास है अभी, अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का हम देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है आगे। तो अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ये दोनों में होता है ना, ये तो हम एनारोबिक पढ़ रहे हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो तरीके का हो सकता है, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है या तो अल्कोहल फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये हमारे मसल में होता है, कहाँ पे होता है बोला मैंने, मसल में। मान लो आपके मसल में सारे फाइबर व्हाइट मसल फाइबर है, तो आप क्या करोगे, जल्दी थक जाओगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर आपके मसल में खत्म हो गया तो आपका मसल कौन सा रेस्पिरेशन करेगा, एनएरोबिक। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये मसल में होता है, इन मसल, और उस इन मसल वाले रेस्पिरेशन को आप क्या बोलते हो, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आपके मसल में लैक्टिक एसिड ऐसा पूरा जमा हो जाता है, आपने नोट किया होगा ना कभी कभी, ठीक है, आप कभी कभी वर्कआउट किया होगा आपने, या कभी ऐसे आप पुशअप्स लगाए होंगे, आपने नोट किया होगा कि आपने 10 पुशअप मार लिए जोश जोश में, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके मसल पूरे ऐसे पत्थर जैसे जम जाते हैं, है ना, पत्थर जैसे आपके मसल जम जाते हैं, मतलब आप बोलते हो उसमें लैक्टिक एसिड स्टोर हो चुका है, अब आपसे आगे और मसल नहीं होगा, है ना, अब आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसमें होता है। इसमें ये दो ही स्टेप का प्रोसेस होता है, पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है और दूसरा स्टेप आपका सीधा सीधा रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या, कि ग्लाइकोलिसिस में जो NADH2 बना था, याद करो, ग्लाइकोलिसिस में ये जो NADH2 बना था, ये NADH2 यहाँ यूज हो जाता है पाइरुविक एसिड के साथ, इसका हाइड्रोजन डोनेट कर जाता है तो NAD वापस बन जाता है और पाइरुविक एसिड में हाइड्रोजन लग जाता है। तो ये रिएक्शन को मैं नीचे बताऊंगा ताकि आपको समझ आए। देखो हमारे पास क्या है, हमने ग्लाइकोलिसिस किया, हमने ग्लूकोज को ब्रेक किया, ग्लूकोज को ब्रेक किया किसमें, हमने पाइरुविक एसिड में, दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। तो जब हमने पाइरुवेट एसिड या पाइरुवेट में ब्रेक किया तब हमको क्या मिला, हमको यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हमको क्या मिले, NADH2 के मिले, दो मॉलिक्यूल हमको NADH2 के मिले, ठीक है। तो अब पाइरुवेट का फॉर्मूला बनाता हूं मैं, CH3COOH, ये आपका फॉर्मूला है पाइरुविक एसिड का, ठीक है। अब ये पाइरुविक एसिड में ये दो H2 अगर मैं लगा दूं डायरेक्ट, इसका रिडक्शन कर दो, अब अगली प्रोसेस, ये तो ग्लाइकोलिसिस थी, ये आपकी ग्लाइकोलिसिस थी, अब मैं डायरेक्ट रिडक्शन या डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं ना इसको, तो रिडक्शन या डिहाइड्रोजिनेशन कर दो किसका, NADH2 का, NADH2 का ये H2 मैं इधर लगा दू, इधर लगा दू, तो H2 कहाँ लगेगा, एक एच आपका सी के बाद लगेगा और एक एच ओ के बाद लगेगा, तो क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, ठीक है, सी, चलो मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बता दू, सी H3, ठीक है, C के बाद एक H लगेगा, O के बाद एक H लगेगा और COOH कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ये एक H यहां लगा, एक H यहां लगा, ठीक है, और ये जो फॉर्मूला बना इसको आपने बोला लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, देखो वो यही रिएक्शन है ऊपर में भी, ठीक है, और इस प्रोसेस को रिडक्शन, और आपने क्योंकि H2 इसका ऐड कर दिया तो आपको फाइनल क्या मिला, आपको फाइनल यहां पे मिला NAD+, क्योंकि हाइड्रोजन लगा दिया ना आपने इसका, ठीक है। तो ये, तो देखो ये रिएक्शन देखो दो ही स्टेप का है, पहला रिएक्शन आपका ग्लाइकोलिसिस है ये वाला, और दूसरा रिएक्शन आपका रिडक्शन है ये वाला। तो ग्लाइकोलिसिस में आपका ये पाइरुवेट बना है, दो मॉलिक्यूल है CH3COCOOH, ठीक है, उसमें आपने हाइड्रोजन लगा दिया, तो एक हाइड्रोजन सी के बाद लगा, एक ओ के बाद लगा, देखो सी एच हो गया, ओ एच हो गया और COOH, तो ये हो गया आपका एक तरीके से आपका पूरा लैक्टिक एसिड। दो ही स्टेप है इसमें, पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप है रिडक्शन, याद रखना, पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप रिडक्शन, ये पेपर में आता है, ठीक है। अब आते हैं फर्मेंटेशन, अल्कोहल बनाने वाले, इसमें तीन स्टेप, मतलब तीन रिएक्शन होते हैं, तीन स्टेप। देखो पहला क्या होता है, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है, पाइरुवेट में से CO2 निकाल दो, ये सी डबल बॉन्ड ओ निकाल दो, ये CO निकाल दो, CO निकाल दो, CO2, तो ये CO2 निकल गया तो क्या बनेगा, 2CH3COH बनेगा, देखो यहाँ पे 2CH3CHO यानी COH CHO, ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। तो इस प्रोसेस को CO2 आपने निकाला, तो CO2 निकालने इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। तो आपका पहला ग्लाइकोलिसिस हुआ, दूसरा इसमें क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, और तीसरा आप क्या होगा कि ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसमें रिडक्शन होगा, रिडक्शन।
तो रिडक्शन में क्या होगा, देखो रिडक्शन में आप क्या करोगे, ये एच टू इसमें ऐड करोगे, तो एच टू कहाँ ऐड करोगे, ये सी एच थ्री तो पहले से है, यहाँ पे सी एच टू में आप क्या करोगे, एक एच यहाँ पे ऐड करोगे तो सी एच टू हो जाएगा, एक ओ के साथ ऐड करोगे तो ओ एच हो जाएगा, ओ के साथ एक एच किया ओ एच हो गया, और यहाँ पे सी एच के साथ और एक ऐड किया तो सी एच टू हो गया, देखो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, तो आपको पता ही है फॉर्मूला किसका है, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, किसका फॉर्मूला है, इथिल अल्कोहल का है, करेक्ट है, तो इथिल अल्कोहल बन गया ना भाई, सिंपल है, इथेनॉल बन गया, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या इवेंट होता है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, एक आपका इथेनॉल फर्मेंटेशन होता है, इथेनॉल फर्मेंटेशन, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कौन से स्टेप हुए आपके, पहला स्टेप हुआ ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप आपका हुआ रिडक्शन, ठीक है, और दूसरा आपने क्या बोला, इथेनॉल के फर्मेंटेशन में क्या हुआ, इथेनॉल के फर्मेंटेशन में भी पहला हुआ ग्लाइकोलिसिस, लेकिन दूसरा फर्मेंटेशन डायरेक्ट रिडक्शन नहीं हुआ, दूसरा बीच में आपका हुआ डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन सीओ टू लॉस हुआ ना, डीकार्बोक्सिलेशन। तो आप जब इथिल अल्कोहल बनता है, जब इथेनॉल बनता है तब सीओ टू निकलता है, सड़ते हुए ऐसे बुलबुले निकलते हुए दिखते हैं, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन। और अब आप बोलोगे तीसरा होता है रिडक्शन। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इन्वॉल्विंग डीकार्बोक्सिलेशन, कौन सा स्टेप है जो डीकार्बोक्सिलेशन इन्वॉल्व नहीं करता, तो आप देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, ठीक है, कौन से स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो इसमें होता है, ठीक है, एरोबिक में भी होता है, एरोबिक में भी सीओ टू निकलता है, लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सीओ टू नहीं निकलता। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का लैक्टिक एसिड आखिरी का प्रोडक्ट कितने कार्बन का है, आखिरी प्रोडक्ट एल ए एफ लैक्टिक एसिड, ये तीन कार्बन का है क्योंकि कार्बन निकला ही नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना इथेनॉल ये कितने कार्बन का है, ये दो कार्बन का है। तो ये भी आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट याद होने चाहिए एग्जाम के लिए, तभी आप प्रॉपर वे में एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते, ठीक है। आगे का डिस्कशन करते हैं, आगे का डिस्कशन हमारे पास है कि अब हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोगों को डिस्कशन करना है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं 2 मिनट, ठीक है, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे भी कॉमन प्रोसेस कौन सा होता है, यहाँ पे भी एक कॉमन रिएक्शन आपका कौन सा होता है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे भी कॉमन है, मतलब आपके दो पायरुवेट आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है, तो दो पायरुवेट आपको यहाँ पे भी मिलेंगे एज इट इज, और दो पायरुवेट मिलने के बाद अब यहाँ पे एक रिएक्शन होती है लिंक रिएक्शन, अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है। अब ये जो दो पायरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, इसको समझते हैं जरा, हमारे पास एक सेल है, ठीक है, हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, सेल है, सेल में क्या देखा हमने, सेल में ये देखा हमने कि ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है सेल का, ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूं मैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूं, थोड़ा सा और बड़ा बनाते इसको, ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूं बड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, ग्लाइकोलिसिस क्या हुआ साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज क्या हुआ, ग्लूकोज आपका ब्रेक हुआ और आपके दो पाइरुवेट बन गए, ठीक है, दो पाइरुवेट बन गए। अब ये दो पाइरुवेट आपके कहाँ जाएंगे, ये दो पाइरुवेट आपके कहाँ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे ताकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्ट वो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंट्री नहीं लेते, पहले एक रिएक्शन होती है जो जोड़ती है एनारोबिक और एरोबिक को जोड़ती है, उसको आप बोलते हैं लिंक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, है ना, जिसको आप ऐसे एक गाना आता है ब्रिंग द एक्शन, वैसे लिंक रिएक्शन, ठीक है, तो लिंक रिएक्शन ब्रिंग द एक्शन, ठीक है, तो लिंक रिएक्शन आती है, लिंक रिएक्शन को ही आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, देखो रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेम, ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन मतलब एक तरीके से यहाँ पे, सॉरी फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा, उल्टा बोल दिया मैंने, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन यानी सीओ टू लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन को ही आप डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हो, क्या बोलते हो, डिहाइड्रोजिनेशन, या तो ऑक्सीडेशन बोलो या रिडक्शन बोलो, बात सेम है, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन, एक का ऑक्सीडेशन होता है दूसरे का रिडक्शन, तो इसी को डिहाइड्रोजिनेशन ये भी बोलते हैं। तो आपके पास अब क्या है, दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट के हैं, ठीक है, पाइरुवेट के दो मॉलिक्यूल है, पाइरुवेट के ये दो मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये दो मॉलिक्यूल में से यहाँ पे तीन तीन कार्बन के है ना, तो हर कार्बन में से, हर पाइरुवेट में से एक सीओ टू निकल जाता है, एक पाइरुवेट से एक CO2, तो दो पाइरुवेट से कितने CO2, दो CO2, लॉजिक है, ठीक
ठीक है, और साथ में पाइरुवेट अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है। हाइड्रोजन डोनेट करेगा किसको? हाइड्रोजन डोनेट करता है तो लेने के लिए हमेशा एनएडी आके तैयार रहता है, एनएडी प्लस। अब दोनों पाइरुवेट ने अपने एक एक बार हाइड्रोजन डोनेट किए तो दो एनएडी आता है, और दो एनएडी दो एनएडीएच टू में कन्वर्ट होता है, दो एनएडीएच टू। तो देखो, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ये डिहाइड्रोजिनेशन हुआ मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। CO2 लॉस हुआ मतलब क्या हो गया? डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, और फाइनल प्रोडक्ट तुमको क्या मिला? एसिटिल कंपाउंड मिला, एक एसिटिल एसिटिल। ये अनस्टेबल होता है, तो अगर ये अनस्टेबल है तो तुरंत ये किसके साथ बाइंड करता है? एक एंजाइम के साथ, जिसको को एंजाइम ए बोलते हैं, को एंजाइम ए, और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल को ए में, एसिटिल को ए में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिल को एंजाइम ए में, एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आपने ये समझा यहाँ पे क्या है, आपने ये डिस्कशन किया कि भाई ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एक रिएक्शन होती है जो क्या करती है, जो एरोबिक को एनारोबिक से जोड़ती है, इसको आप लिंक रिएक्शन बोलते हो। इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ पहले और फिर डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे एनएडी आया, एनएडी ने इसका हाइड्रोजन ले लिया, टू एनएडीएच टू बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये पाइरुवेट ने CO2 भी लॉस कर दिया, तो CO2 भी लॉस हो गया, तो अब ये जो कंपाउंड बना, ये तीन कार्बन के दो कंपाउंड थे, तो अब ये जो दो कंपाउंड बने ये कितने कार्बन के? दो कार्बन के। फिर एसिटिल कोए कोएंजाइम के साथ बना, तो ये भी कितने कार्बन का हुआ? दो कार्बन का, ठीक है। तो हमारे पास ये कंपाउंड अब दो कार्बन का मिल गया, ठीक है। फाइनली हमको दो कार्बन का कंपाउंड लिंक रिएक्शन के एंड में, पूछेंगे आपको लिंक रिएक्शन के एंड में कितने कार्बन का कंपाउंड मिलता है, आप बोलोगे दो कार्बन का। प्रोसेस कौन सी होती है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? एनएडी प्लस, ठीक है। कार्बन कहाँ से लॉस होता है? पाइरुवेट से। कितने लॉस होते हैं? दो, दो बार पाइरुवेट होते हैं, दो बार कार्बन लॉस होते हैं। एंजाइम कौन सा काम करता है? एक कॉम्प्लेक्स होता है, छह छोटे छोटे एंजाइम होते हैं इसमें, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। एंजाइम का नाम लिख रहा हूं मैं, एंजाइम कौन सा होता है? एंजाइम होता है इसमें पाइरुवेट, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स नाम से एंजाइम यहाँ पे यूज होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स में चार पांच छोटे छोटे छह एंजाइम होते हैं। पहला एक तो डिहाइड्रोजिनेस होता है, ठीक है, मैं इस एंजाइम के नाम लिख रहा हूं। पहला होता है डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा होता है इसमें डीकार्बोक्सिलेस, डीकार्बोक्सिलेस, तीसरा होता है इसमें, तीसरा होता है इसमें यहां पे आपका एनएडी, ठीक है, एनएडी कोएंजाइम होता है, तो आप बोलोगे एनएडी। चौथा एनएडी प्लस, चौथा इसमें आपका एक तरीके से ये काम करता है मैग्नीशियम, एमजी प्लस प्लस। पांचवा आपका यहाँ पे काम करता है टीपीपी, थायमीन पाइरोफॉस्फेट, ठीक है, थायामीन, थायामीन एक विटामिन है, विटामिन बी, ठीक है, थायामीन पाइरोफॉस्फेट। और लास्ट में एक एसिड काम करता है लिपोइक एसिड, ठीक है, लिपोइक एसिड। तो इतने सारी छोटी छोटी चीजों का ये कॉम्प्लेक्स होता है एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम इतनी चीजों का क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है भाई, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, तब जाके ये पूरा रिएक्शन कैरी आउट होता है। छह एंजाइम है इसमें छोटे छोटे, छः, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो। अब आगे का डिस्कशन करते, देखो ये लिंक रिएक्शन है, बराबर है, लिंक रिएक्शन। दो पाइरुविक एसिड आए, ठीक है, ये सिंगल रिएक्शन हो रही है, इसको दो से मल्टीप्लाई कर देना। दो पाइरुविक एसिड आए, दो पाइरुविक एसिड ने दो एनएडी को अपने क्या दिए? एनएडीएच टू, एनएडीएच टू दिए, एनएडीएच टू बन गया, ठीक है। CO2 लॉस कर गया आखिरी में, तो एसिटिल कंपाउंड के साथ कोएंजाइम ए एसिटिल कंपाउंड के साथ जुड़ के क्या बना था? को एंजाइम ए बनाता है, ठीक है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स नाम का एंजाइम काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बोला है, यहाँ पे देखो, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स ये नीड करता है विटामिन B1 को, बोला था ना हमने, विटामिन B1 को जरूरत होता है, थायमिन पाइरोफॉस्फेट विटामिन बी से बनता है, थायमिन से, ठीक है। इसके अलावा ये कोएंजाइम भी चाहिए इसको, एनएडी, एनएडी भी उसी से बनता है, ठीक है। इसके अलावा B1 की बड़ी जरूरत होती है, अगर ये विटामिन थायमिन की डिफिशियंसी होती है, अगर इस विटामिन B1 की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे पाइरुविक एसिडोसिस मतलब पाइरुविक एसिड आपके बॉडी में जमा होने लगता है, क्योंकि पाइरुविक एसिड, देखो पाइरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसिटिल कोए में। अगर आप देखो आपके बॉडी में ये कॉम्प्लेक्स में थायमिन नहीं होगा, तो पाइरुविक एसिड एसिटिल कोए में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब पाइरुविक एसिड जमा होते जाएगा, ठीक है। तो आपको एसिडोसिस होगी, क्या होगी? एसिडोसिस, ठीक है, या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो लैक्टिक एसिडोसिस होगी। तो ये पाइरुविक एसिडोसिस या लैक्टिक एसिडोसिस आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, आपके लिए जानलेवा हो सकता है, ये बोला, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो अब हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा? ग्लाइकोलिसिस पढ़ा।
ग्लाइकोलिसिस के बाद हम पढ़ रहे हैं लिंक रिएक्शन। हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये डायग्राम, ठीक है, तो आपका ये जो लिंक रिएक्शन है एल आर, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर एल आर के बाद अब यहां पे क्रेब साइकिल होता है, के क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, ठीक है, तो आप क्रेब साइकिल में एंटर करता है। तो ये जो एसिटिल कोए मिला है आपको, दो एसिटिल कोएंजाइम है, ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल। हंस क्रेब नाम से साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये क्रेब साइकिल दी थी, इसीलिए इनको क्रेब साइकिल बोला जाता है। और इसका पहला कंपाउंड तीन तीन कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, तीन बार कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इसमें, इसीलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। या इसका पहला कंपाउंड सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो साइकिल का पहला कंपाउंड सिट्रिक एसिड है, साइकिल का पहला कंपाउंड ये जो सिट्रिक एसिड, इसमें तीन कार्बोक्सिलिक एसिड है तो टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड है तो सिट्रिक एसिड साइकिल, और क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने दी तो क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो ये हम देखते हैं ये कहां होता है, ये हम देखते हैं कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है एरोबिक रिएक्शन का, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए काम करता है, ठीक है। और ये आपका बेसिकली ये कहां पे यूज होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये बहुत सारे बायोमोलिक्यूल भी देता है हमको, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, अमीनो एसिड है। तो क्रेब साइकिल इज ऑल्सो सोर्स ऑफ अमीनो एसिड, क्रेब साइकिल किसका सोर्स है, सोर्स ऑफ अमीनो एसिड, सोर्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जैसे कि देखो कौन से अमीनो एसिड बोल रहे हैं, ठीक है, ये ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड एक अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड भी हमको क्रेब साइकिल से मिलते हैं, ठीक है। अब क्रेब साइकिल से मिलने के बाद हम देखते हैं कि अब ये जो एसिटिल कोए हमको मिला है, ये एसिटिल कोए दो कार्बन का कंपाउंड, ठीक है, एसिटिल कोए कोएंजाइम ए पाइरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया, ये यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेट हुआ और ये दो कार्बन का कंपाउंड क्या बनाया, एसिटिल कोएंजाइम ए बनाया। एसिटिल कोएंजाइम में अब क्रेब साइकिल में एंटर करता है और पहला स्टेबल कंपाउंड बनाता है, जो कि हमको दिखता है कि ये होता है सिट्रेट। देखो एसिटिल कोएंजाइम ए में कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन मतलब एक तरीके से हम देखते हैं कि ये जो लास्ट प्रोडक्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट कौन सा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये चार कार्बन का होता है, कितने कार्बन का, चार कार्बन का, फोर कार्बन का ये प्रोडक्ट, और एसिटिल कोए आपका दो कार्बन का प्रोडक्ट। तो चार कार्बन और दो कार्बन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, जोड़ा जाता है दोनों को, दोनों को जोड़ा जाता है, तो ये सिट्रेट कितने कार्बन का बनता है, छह कार्बन का सिट्रेट बनता है, ठीक है, सिट्रेट इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड। तो हम क्या समझे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये क्रेब साइकिल है ना, साइकिल का मतलब क्या, जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म और जहां खत्म होती है वहीं से शुरू, तो ये खत्म हो रही है ऑक्सैलो एसिटेट पे और जहां खत्म हो रही है वहीं से शुरू हो रही है। तो ऑक्सैलो एसिटेट चार कार्बन का कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम ए से ज्वाइन होता है, ठीक है, और आपके चार और दो छह कार्बन का सिट्रेट नाम से कंपाउंड बनता है। सिट्रेट में दो खास बात है, सिट्रेट पहला कंपाउंड है इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल, और ये इसमें तीन कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको टीसीए भी बोलते हैं, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सिट्रिक एसिड, इस एंजाइम, यहाँ पे जो एंजाइम है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला है। एंजाइम देखो सिट्रेट सिंथेटेज है, एंजाइम कौन सा है, सिट्रेट का फॉर्मेशन सिंथेटेज, ठीक है। दूसरा आप बोलोगे यहाँ सिट्रेट का आइसोसिट्रेट में कन्वर्शन होता है, ठीक है, और पहली बार पानी बाहर निकलता है, दूसरी बार पानी ऐड होता है, पहली बार पानी बाहर निकल रहा है, दूसरी बार पानी ऐड हो रहा है, तो निकल रहा है ऐड हो रहा है मतलब फॉर्मूला सेम ही है, तो आइसोमराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन। अब ये देखो यहाँ पे सही लिखा है डिहाइड्रेशन, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे हाइड्रेशन होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन होना चाहिए ना भाई, इतना तो हमको समझता है कि पानी ऐड हो रहा है हाइड्रेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन, यहाँ पे हाइड्रेशन, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन जो है इसको आइसोमराइजेशन बोलते हैं, इन दोनों में एक ही एंजाइम काम करती है, देखो सिस एकोनाइटेज, ये एकोनाइटेज एंजाइम काम, ठीक है। तो सिट्रेट पहले पानी निकलने के बाद सिस एकोनाइट में कन्वर्ट होता है, सिस एकोनाइटेट आगे जाके पानी ऐड होने के बाद आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है, एंजाइम काम करती है एकोनाइटेज, याद रखना, यहाँ पे सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट एकोनाइटेज, ठीक है, सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट एकोनाइटेज। अब ये जो आइसोसिट्रेट है ये भी आपका मतलब सिट्रेट का सेम ही जैसा है, तो ये भी छह कार्बन का है, कोई खास चेंज नहीं है इसमें, ठीक है, छह कार्बन का ये मॉलिक्यूल अब किसमें कन्वर्ट होता है। अब इसमें देखो ये टीसीए साइकिल में क्या होता है, आपको दो बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, टू टाइम क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 लॉस, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का लॉस, ठीक है, और चार बार डिहाइड्रोजिनेशन होता है, याद रखना, फोर टाइम्स क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन, तो ये याद रखना है, दो बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा, चार बार डिहाइड्रोजिनेशन। फिर से आते हैं साइकिल पे वापस, एसिटिल कोएंजाइम है और ऑक्सैलो एसिटेट दोनों ने मिलके क्या बनाया, दोनों ने मिलके सिट्रेट बनाया छह कार्बन का, सिट्रेट में आइसोमराइजेशन हुआ, आइसोसिट्रेट बना छह कार्बन का, आइसोसिट्रेट में पहली बार क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन लॉस, आइसोसिट्रेट अपना हाइड्रोजन किसको देता है, एनएडी को,
एनएडी को हाइड्रोजन देने से क्या बन जाता है, एनएडी, देखो एनएडीएच टू बन गया यहाँ पे, तो ये पहली बार आपका एनएडीएच टू बना, फर्स्ट टाइम, यहाँ पे लिख सकते फर्स्ट टाइम आपका क्या बना, एनएडीएच टू। तो आपने आइसोसिट्रेट ने हाइड्रोजन दे दिया, डिहाइड्रेशन हो गया, इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, सॉरी क्या बोलोगे, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। और ये पहली बार हुआ, चार बार होगा बोला था मैंने, ये पहली बार हुआ, तो इसको डिहाइड्रोजिनेशन वन बोलेंगे, ठीक है। और ये कन्वर्शन होगा, अभी आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड, ये नाम याद करना पड़ेगा आपको, ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड। और ये भी 6 कार्बन का होता है, क्यों, क्योंकि इसमें से अभी तक कार्बन नहीं निकला, सिर्फ वहां पे हाइड्रोजन निकला, ठीक है। तो आपको पहली बार एनएडीएच मिल गया, ठीक है। अब आपका ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड में पहली बार डी कार्बोक्सिलेशन होता है, फर्स्ट टाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव नहीं लिखेंगे, गलत लिखा है, ऑक्सीडेटिव यहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन, तो पहली बार डी कार्बोक्सिलेशन होता है, और CO2 निकल गया तो डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका 6 कार्बन का कंपाउंड अब 5 कार्बन के कंपाउंड में ब्रेक हो गया। तो आपका पहला 5 कार्बन का कंपाउंड होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, क्रेब साइकिल में पूछते हैं, फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट, बाकी इसके पहले के सारे 6 कार्बन, एसिटिल को है 2 कार्बन, कार्बन का नंबर याद रखना है, एसिटिल को एंजाइम में 2 कार्बन बाइंड होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, OAA, ठीक है। तो ये 4 कार्बन का है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन और 2 कार्बन, ठीक है। ये देखो ये 4 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 2 कार्बन मिलके बने 6 कार्बन, 6 कार्बन, इसमें आइसोमराइजेशन हुआ, आइसोसिट्रेट 6 कार्बन, इसमें पहली बार NADH2 बना तो कोई कार्बन नहीं निकला, इसका मतलब ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड भी 6 कार्बन, ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड में पहली बार फर्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन हो गया पहला, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपका 5 कार्बन का कंपाउंड आपको मिला अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ये आपका ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन में जाता है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है, मतलब NADH2 भी बनता है, ठीक है। ये देखो दूसरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, 4 बार होगा बोला था मैंने, दूसरी बार हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मतलब डिहाइड्रोजिनेशन, ये अपना हाइड्रोजन लॉस करता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो NADH2 बनाता है, NAD को देता है, NADH2 बनाता है, और साथ ही में ये अपना क्या बनाता है, CO2 रिलीज कर देता है। तो ये दूसरी बार क्या हो रहा है, ये पहली बार CO2 निकला, ये दूसरी बार CO2 निकला, दो ही बार निकलना था, पढ़ लिया हमने, दोनों बार निकल गया, ठीक है, CO2 निकल गया। अब CO2 निकल गया तो ये क्या बनाता है, सक्सिनिल ग्रुप बनाता है, सक्सिनिल, ये देखो ये ग्रुप अनस्टेबल होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कोएंजाइम ए आता है, सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम ए, तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन जाता है, ठीक है। और ये कितने कार्बन का होगा, अब ये 5 कार्बन का कंपाउंड, अब ये 1 कार्बन लॉस कर दिया तो 4 कार्बन का होगा। तो अब देखो ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, ये एकलौता 5 कार्बन का कंपाउंड है, इसके पहले सारे 6 कार्बन के थे, इसके बाद सक्सिनिल कोए और इसके आगे सारे 4 कार्बन के हो गए, तो ये ओनली कंपाउंड होता है, ओनली 5 कार्बन कंपाउंड, ओनली कंपाउंड, ये पूछा जाता है पेपर में, द वन एंड ओनली 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। आगे आप क्या करते हो, आगे ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है, ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए 4 कार्बन का कंपाउंड, ये अपना कोएंजाइम ए छोड़ देता है और ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट। ये देखो यहां पे भी गलत किया है, यहां पे FADH2 नहीं बनता है भाई, ये रिएक्शन आपके बुक में गलत दी है, यहां पे FADH2 नहीं बनता है, ये गलत दिया है, ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा करेक्ट करना है, ये गलत दिया है, तो यहाँ पे नहीं बनता है, FADH2 नॉट प्रोड्यूस हियर, ठीक है। तो ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए किसमें कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट, ठीक है। और सक्सिनेट में इसके एंजाइम भी दिए, देखो यहाँ पे एंजाइम का नाम दिया है, ये जो हमने रिएक्शन पढ़ी इसमें आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, ये जो एंजाइम पढ़ी इसमें आइसोसिट्रेट डिकार्बोक्सिलेस चाहिए, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है ना, ये भी गलत दिया है, ठीक है, तो ये भी गलत दिया है, इसमें क्या लिखोगे, डिकार्बोक्सिलेज लिखोगे, डिकार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज, देखो कितनी गलतियां निकाल लिया मैंने, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आप बोलते हो डी कार्बोक्सिलेज के बाद यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, CO2 भी लॉस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, देखो लिखी है बराबर, हाँ लिखी है, तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी वही 6 एंजाइम यूज होते हैं जो पहले पढ़े थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सक्सिनिल कोए ये कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, अपना कोएंजाइम रिलीज कर देता है, कोएंजाइम क्या कर देता है, रिलीज। अब जब ये सक्सिनिल कोए कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे ये क्या करता है, एक फॉस्फेट GDP में ऐड करता है, देखो फॉस्फेट किस में ऐड करता है, GDP में, तो GDP में फॉस्फेट ऐड करने से GTP बन जाता है और GTP अपना फॉस्फेट आगे ADP को देता है, ठीक है, समझो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सक्सिनिल कोए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, नीचे बताता हूं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट में, सक्सिनेट
मतलब सबसे पहले तो अपना वो कोएंजाइम ए निकाल दे रहा है, दूसरा क्या कर रहा है वो, दूसरा अपना एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये जीडीपी को दे रहा है, ग्वानोसिन डाई फॉस्फेट को दे रहा है, ठीक है। जीडीपी जो है, जीडीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है, जीटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ग्वानोसिन ट्राई फॉस्फेट, बट ये अनस्टेबल होता है, ये अपना ज्यादा फॉस्फेट होल्ड नहीं कर सकता, तो ये अपना फॉस्फेट किसको देता है, एडीपी को दे देता है। अब एडीपी ने अगर फॉस्फेट ले लिया तो एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में, समझा क्या, ठीक है। तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए ने अपना फॉस्फेट किसको दिया, जीडीपी, जीडीपी जो है जीटीपी में कन्वर्ट हुआ, जीटीपी ज्यादा देर रख नहीं पाता है, तो जीडीपी अपना फॉस्फेट किसको दे देता है, जीटीपी दे देता है एडीपी को, एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। अल्टीमेटली ये हो गया, तो यहां पे देखो डायरेक्ट ए टू बी रिएक्शन हुई और यहां पे क्या रिलीज हुआ, एटीपी, तो कौन सी रिएक्शन है ये, एसएलपी वाली रिएक्शन है, तो इसी को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो देखो ये जो रिएक्शन का नाम ही है, रिएक्शन का नाम ही है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एक एटीपी मिलता है एक रिएक्शन में, एक एटीपी, ठीक है। फिर ये जो सक्सिनेट आपका प्रोडक्ट है, ये कितने कार्बन का है, ये भी चार, अब सारे चार कार्बन के होंगे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तक चार कार्बन का ये प्रोडक्ट, अब किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जब ये फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है तो ये अपना हाइड्रोजन लॉस करता है, क्या लॉस करता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन एफएडी एक्सेप्ट करता है, एफएडी का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यहाँ पे FADH2 बनता है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे बनता है ये, यहाँ पे नहीं बनता, ये गलत दिया है बुक में, ठीक है। तो FADH2 बनता है कहाँ पे, सक्सिनेट से फ्यूमैरेट, रिएक्शन का नाम देखो डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन लॉस किया, ठीक है, FADH2 बना, FADH2 जब बना, ठीक है, और फ्यूमैरेट कन्वर्ट हुआ तो फ्यूमैरेट डिहाइड्रोजिनेशन है, एंजाइम का नाम देखो सक्सिनेट है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, एंजाइम का नाम। फिर फ्यूमैरेट भी आपका चार कार्बन का है, फ्यूमारेट में हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड होता है, ठीक है, वाटर ऐड होता है तो फ्यूमारेट किस में कन्वर्ट होता है, मैलेट में कन्वर्ट होता है, मैलेट में, ठीक है, फ्यूमारेट कन्वर्ट होता है मैलेट में, एंजाइम का नाम है फ्यूमारेज, एंजाइम का नाम क्या है, फ्यूमारेज है, ठीक है। और आगे का डिस्कशन आप करते हो कि आगे मैलेट ये भी चार कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। देखो कितने बार डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, पहला डिहाइड्रोजिनेशन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, ये तीसरा हुआ, ठीक है। अब चौथा कौन सा होगा, चौथा ये मैलेट जो है, मैलेट में भी डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन लॉस होता है, हाइड्रोजन एनएडी एक्सेप्ट करता है और चौथा डिहाइड्रोजिनेशन कंप्लीट हो जाता है और एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है और यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब आपको लगता होगा सर ये तो बड़ी कठिन साइकिल है, हम कैसे याद करेंगे, हमको नहीं होता ये, आप तो पढ़ पढ़ के बता दे रहे हैं, हमको कैसे होगा, ठीक है। एक्चुअली मैं बताऊँ, हमने जब ये प्रिपेयर किया था तो हमको पूरी की पूरी साइकिल हमने इतनी बार प्रैक्टिस करी है कि हमको ये पूरी नींद में भी याद होती है। अब आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आपको अगर लगता है कि ये साइकिल इतनी मुश्किल है याद नहीं होती, तो आप बुक खोलो, साइकिल को ओपन करो, ठीक है, और मैं देखो मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। तो सबसे पहले एसिटिल कोए, दो कार्बन का कंपाउंड आता है, दो कार्बन का कंपाउंड चार कार्बन वाले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड्स के साथ ज्वाइन होता है, तो चार कार्बन और दो कार्बन मिलके सिट्रिक एसिड यानी सिट्रेट बनता है, सिट्रेट को ही टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो रिएक्शन में एंजाइम यूज होती है वो होती है सिट्रेट सिंथेटिस, एंजाइम रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन, सिट्रेट अब जो है वो उसमें पानी निकलता है तो सिस एकोनेट बनता है, पानी ऐड होता है तो आइसोसिट्रेट बनता है, दोनों रिएक्शन में एंजाइम यूज होती है यहाँ पे एकोनाइटेज, ठीक है, एकोनाइटेज रिएक्शन को बोलते हैं आइसोमराइजेशन। फिर आपका ये जो आइसोसिट्रेट छह कार्बन का कंपाउंड है, आइसोसिट्रेट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बिना देखे, ठीक है, आप जब ये बुक में करोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई बिना देखे हम भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आइसोसिट्रेट है ये कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो सक्सिनेट में, पहली बार यहाँ पे क्या होता है, पहली बार यहाँ पे आपका ये प्रोसेस होता है डिहाइड्रोजिनेशन का, NADH2 बनता है, ठीक है, एंजाइम का नाम होता है यहाँ पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर आपका ऑक्सैलो सक्सिनेट जो आपका छह कार्बन का मॉलिक्यूल है, पहली बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एंजाइम का नाम होता है यहाँ पे ऑक्सैलो सक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज और कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है आपका अल्फा कीटोग्लुटारेट पांच कार्बन के कंपाउंड में, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फा कीटोग्लुटारेट में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, अल्फा कीटोग्लुटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोए में, एंजाइम का नाम होता है अल्फा कीटोग्लुटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सक्सिनिल कोए जो है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, रिएक्शन का नाम होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, और यहाँ पे जीटीपी बनता है, जीटीपी से एटीपी बनता है, ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम होता है थियोकाइनेस, थियोकाइनेस, ठीक है, या थायोकाइनेस भी बोलो, ठीक है। अब ये जो सक्सिनेट है ये कन्वर्ट होता है फ्यूमैरेट में, और यहाँ पे फ्यूमैरेट में रिएक्शन का नाम होता है डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, और जो हाइड्रोजन लॉस होता है वो एफएडी ग्रैब करता है और एफएडीएच2 बना देता है,
फिर फाइनली हम क्या देखते हैं, फाइनली ये जो फ्यूमैरेट है इसमें आपका हाइड्रेशन होता है, वाटर ऐड होता है, ठीक है। और हाइड्रेशन ऐड होता है, वाटर ऐड होने की वजह से अल्टीमेटली ये मैलेट में कन्वर्ट होता है, एंजाइम का नाम होता है फ्यूमैरेज। और आगे हम देखते हो फ्यूमैरेज जो है, फ्यूमैरेज के बाद जो मैलेट है, मैलेट में डिहाइड्रोजिनेशन 4 होता है, ठीक है। मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसिटेट में, एंजाइम का नाम होता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ये आपने आपका क्रेब साइकिल पढ़ लिया, ईजी है, मुश्किल नहीं है। कहाँ क्या होता है, कहाँ एनएडीएच2 रिलीज होता है, कहाँ एफएडीएच2 रिलीज होता है, कहाँ कौन सी एंजाइम काम करती है, क्या रिएक्शन है, ये अगर आपको पता चल गया तो आप क्रेब साइकिल के सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और अल्टीमेटली अब हमको देखना है यहाँ पे, अब हमने क्या की देखा कि हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एरोबिक में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस में क्या मिला हमको, ग्लाइकोलिसिस में हमको 4 एटीपी मिले, ठीक है, प्लस 2 एनएडीएच2 मिले, ठीक है। 4 एटीपी में से 2 तो यूज हो गए, 2 एटीपी क्या हो गए, यूज हो गए, ठीक है। फिर लिंक रिएक्शन किया हमने, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोला, लिंक रिएक्शन, ठीक है, लिंक रिएक्शन। इसमें हमको 2 NADH2 मिले, 2 पाइरुवेट थे, याद करो, 2 पाइरुवेट से 2 NADH2 मिले, 2 NADH2 मिले, ठीक है। फिर हमने 2 लिंक रिएक्शन हुई ना, कितनी लिंक रिएक्शन हुई, 2, 2 लिंक रिएक्शन से 2 एसिटिल कोए मिले, 2 एसिटिल कोए से 2 क्रेब्स साइकिल हुई, ये एक ग्लूकोज का पड़ रहा है फॉर वन ग्लूकोज, तो 2 क्रेब्स क्रेब्स साइकिल हुई हमारे पास, 2 क्रेब्स साइकिल हुई। तो 2 क्रेब्स साइकिल का हमारा रिजल्ट क्या हुआ, 2 क्रेब्स साइकिल का हमारे पास यहाँ पे हमको क्या मिले, टोटल 3 बार हमको NADH2 मिला एक क्रेब्स साइकिल में, 3 बार, तो हम बोलेंगे 2 क्रेब्स साइकिल में टोटल 6 बार, तो सारा का सारा 6 बार, 6 बार हमको NADH2 मिला, ठीक है। एक क्रेब्स साइकिल में 1 बार FADH2 मिला, तो 2 क्रेब्स साइकिल में 2 बार FADH2 मिला, एक क्रेब साइकिल में 1 जीटीपी से 1 एटीपी मिला, तो 2 क्रेब साइकिल में 2 जीटीपी से 2 एटीपी मिलेंगे, प्लस हमको 2 एटीपी मिले, समझ में आया। तो आपका एसएलपी से यहाँ पे 4 मिले, एसएलपी से यहाँ पे 4 मिले, एसएलपी से यहाँ पे 2 मिले, तो आप बोलते हो पूरा का पूरा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें टोटल एसएलपी कितने हुए, टोटल एसएलपी से कितने एटीपी मिले, 6 एटीपी मिले। अब हमको यहाँ एनएडीएच2 मिला, ये देखो ये एनएडीएच2 है, ये एनएडीएच2 है, और ये NADH2 है, और ये FADH2 है, तो हमको कितने NADH2 मिले, 2, 2, 4 और 6, 10, टोटल 10 NADH2 मिले और 2 FADH2, तो टोटल हमारे पास अब कितने NADH2 है, 10 NADH2 है और 2 FADH2 है। और हमने पढ़ा था एक FADH2 से 3 ATP, तो 10 इंटू 3 कितने हुए, 30 ATP हमको मिलेंगे, किससे, 30 ATP हमको मिलेंगे NADH2 से। FADH2 से कितने मिलेंगे हमको, एक FADH2 से 2 मिलते हैं, एक FADH2 कितना देता है, 2 ATP, तो यहां पे आपके 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 4 ATP, तो आप क्या बोल रहे हो, यहां पे 30 ATP यहां से मिलेंगे, 4 ATP यहां से मिलेंगे और 6 आपको यहां से मिले, ठीक है। तो कितने हो गए, 6 प्लस 30 प्लस 4 कितने हो गए, 4 6 10 40, 40 हमने ये पूरे 6 लिए, ठीक है, ये 4 और 2 6 पूरे, ये 4 4 ये वाले और 2 ये वाले 6, पर 4 में से 2 यूज हो गए थे, 2 क्या हो गए थे यूज, तो टोटल कितने मिले, 38 एटीपी, शुरुआत में ही बताया मैंने, एक ग्लूकोज से कितने एटीपी मिलते हैं, 38, ठीक है, 38, तो एक ग्लूकोज से 38 कैसे मिले, देखो फिर से एक बार समझो, ग्लाइकोलिसिस में हमने SLP से 4 मिले हमको, 2 माइनस कर दो अभी मत करो, 4 मिले हमको SLP से, क्रेब्स साइकिल में भी 2 मिले SLP से, तो टोटल हुए 6 SLP से, ठीक है, टोटल 6 हो गए, 2 माइनस नहीं किए, ठीक है। NADH2 हमको मिले टोटल 10, 10 में से 3 के हिसाब से लगा लो तो 30 ATP, और 2 FADH2 2 क्रेब्स साइकिल में मिले तो 4 ATP, 4 और 3 कितने हुए, 34, 34 और 6 40, 40 में से पहले ग्लाइकोलिसिस में 2 माइनस कर दो तो 38, ठीक है। अब ये हमने देख लिया, अब आपने बोला सर आपने तो बता दिया कि ये NADH2 से 3 मिलते हैं, FADH2 से 2 मिलते, लेकिन ये मिलते कैसे, एग्जैक्टली कैसे निकलते, FADH2 NADH2 ऐसे टुपुक टुपुक करके ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं, गंगाधर से शक्तिमान बनते वैसे, नहीं ना, नहीं, ठीक है। तो NADH2 से ATP कैसे मिलते हैं,
और FADH2 से ATP कैसे मिलते हैं, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना वीडियो रहने देते हैं। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, किस तरीके से NADH2 और FADH2 से ATP जनरेट होते हैं। ठीक है, तो फाइनल प्रोसेस हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर उसी के आगे कुछ एक दो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगला छोटा सा पार्ट चैप्टर का हम अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई डाउट, दिक्कत, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ, कुछ भी होगा तो। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत डिटेल में और बहुत सही तरीके से मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा जरूर। ठीक है, और समझा है, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है तो वो भी बताइए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।